बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे। तो नहीं जी, हम एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी रेसिपी लेके आ गए हैं पैनकेक्स की, क्योंकि दिल कर रहा था पैनकेक्स खाने को, तो सोचा आपके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। तो जी, उसके लिए हमें चाहिए होएगा 1 कप मैदा, 1/2 कप दूध है, 1/2 कप दूध और 2 बड़े चमचे मतलब टेबल स्पून जो है वो आइसिंग शुगर के हैं, और पीसी हुई चीनी, 1 अंडा यूज़ करेंगे हम, और 2 चम्मच जो है ना टेबल स्पून वो हमें ऑयल चाहिए, 1 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, और 1 पिंच हम डालेंगे नमक की, और थोड़ा सा वनीला एसेंस। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे, अब इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी, और अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ना उसके अंदर डाल देंगे सारे अज्जा। वो जब से मैंने वो एक बच्ची की ना सख्त उर्दू वाली वीडियो देखी है ना, तो मेरा खुद का दिल कर रहा है ऐसे बोलने को। अज्जाए ज़रूरी अज्जा डालेंगे इसके अंदर हम। अच्छा, इसको अच्छे से बीट करते हैं। ले जी, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। ले, अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालते हैं। इसके अंदर हमने बिल्कुल 1 पिंच डालनी है सॉल्ट की, ये डाल गया। के बाद हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और इसके बाद हम इसके अंदर दूध डाल देंगे 1/2 कप, और साथ ही हम इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे, देखो कुछ ड्रॉप्स जस्ट लाइक दैट। अब हम इनको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, और फिर इसके अंदर मैदा डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका बिल्कुल हमें एक फाइन सा बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं और बिल्कुल वाटरी भी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से बीट करते हैं जी। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल एंड पे डालना है, वरना ना इसकी अच्छे से मिक्स ही नहीं होती। अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। नहीं जी, अब हम इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे बनाना है, हल्का सा हम इसके ऊपर ना ग्रीस करेंगे पैन को। नहीं जी, अब इसके अंदर हम डाल देंगे इसको बिल्कुल सेंटर में, मुझे वैसे छोटे छोटे प्यारे लगते हैं, इसको अंदर डाल देंगे ऐसे, बस। अब इसको थोड़ी देर एक साइड पकने तक ना पकाएंगे, और फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे जब इसकी साइड्स पे थोड़े से हल्के से बबल्स आने लग जाएंगे। लें जी जनाब, ये अब तकरीबन एक साइड से थोड़ा सा हो गया, अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे ऐसे, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। अब हम इसको दूसरी तरह से भी ऐसे ही पका लेंगे, और फिर इसको उतारेंगे। लें जी, अब हमारा रेडी है, अब हम इसको उतार लेते हैं ऐसे, और बाकी भी बना लेते हैं। इस तरह हम इसको डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और जितने हमने बनाने हैं बना के, तो फिर फाइनल लुक और रेडी हो गया। लें जी, एक और गया है तैयार हो, और बट साहब भी उठ गए हैं जी। इस तरह इसके ऊपर एंड पे हम ये डाल देंगे जी, ये हम हनी डाल लेंगे, और इस तरह थोड़े से स्प्रिंकल्स ऊपर कर लें मामा आ। ये इस चीज़ के लिए कि मामा बच्चे देखते कि मामा आ मुँह में डाल दो हमारी रेसिपी। इसके साथ ये देखिए कितना हसीन किस्म का लुक आ रहा है इसका। हमारी रेसिपी
एंड होती है, और आप भी ज़रूर ट्राई करें, कैसी बनती है बताइएगा। दुआओं में याद रखिए, कुकिंग प्लस लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।